तो भाई आज का वीडियो जो है थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम अपने चैनल पे पहली बार अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग हम इसकी करेंगे, इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और इसमें है एक मिररलेस कैमरा। मैं गोप्रो ही यूज़ कर रहा था लेकिन गोप्रो से जो है सारे काम नहीं हो पाते हैं, जैसे कि बी रोल्स लेना, थोड़े सिनेमेटिक जो है अच्छे या फिर ब्लर इफेक्ट वाली चीज़ें जो है नहीं आ पाती है। तो बहुत दिनों से मेरी बकेट लिस्ट में था ये कैमरा, तो फाइनली जो है ये आ चुका है। के साथ मिला है एक छोटा सा सोनी का बैग, यहाँ पर सोनी की ब्रांडिंग भी है, जिसके अंदर जो है एक छोटा सा कार्ड स्लॉट दिया गया है, मेमोरी कार्ड वो डाल सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये पार्टीशन के लिए दिया गया है इसके अंदर, और छोटा सा बैग है, बस इसके अंदर कैमरा ही आएगा। बात करते हैं इसकी, तो वही ये है सोनी का GV-E10 कैमरे का नाम है ये, और ये कुछ ऐसा दिखता है। इंटरचेंजेबल लेंस है इसके अंदर, इसका एक और मॉडल आता है GV-1, उसके अंदर इंटरचेंजेबल लेंस नहीं है, इसके अंदर इंटरचेंजेबल है। और 2 साल की इसकी वारंटी है, 64GB का इसके अंदर मेमोरी कार्ड है। तो लिख रहा है कार्ड कम्स विद 5 ईयर वारंटी। और इसके अंदर कुछ मैनुअल हैं, यूज़र मैनुअल, ये अपने काम की चीज़ है क्योंकि अपने को पहले मिररलेस कैमरा ऑपरेट करने का कुछ पता नहीं है, तो इसको जो है थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसके बारे में। खैर इसको साइड में रखते हैं। ये यहाँ पर दिया इन्होंने माइक, इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पर ये है बैटरी, ये है इसका, ये 5 वोल्ट का इसका चार्जर है, ये चार्जिंग कॉर्ड है, सी टाइप है इसके अंदर, ये भी चार्जर ही है, 2 पिन चार्जर। इसके अंदर दिया गया है सोनी ब्रांड का, और ये है इसकी मेन कैमरा यूनिट। इसको मैंने किट लेंस के साथ जो है ऑर्डर किया है, तो इसको निकालते हैं। वाह, एकदम कॉम्पैक्ट है यार, हल्का सा, मस्त, गजब। इसका जो लेंस है वो 1650 का लेंस है, और ये इसके पूरे मेन्यू बटन, GV-E10 विद 4K, यानी कि इसके अंदर अपन 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इसकी स्क्रीन देखें, ये सबसे सही है इसका। हमें जब भी व्लॉगिंग करनी है तो ये ज़्यादा अपने को काम देगा, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि हम फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन, व्लॉगिंग के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ, ये देखिए, ये पूरा मिररलेस कैमरा है इसके अंदर, एंड ये जो है 1650 का इंटरचेंजेबल लेंस। हम दूसरा लेंस भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसकी इन हैंड फीलिंग जो है काफ़ी अच्छी है, और जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये जो है लेंस है वो पॉप आउट होता है इसका। काफ़ी कॉम्पैक्ट कैमरा है ये, तो इसको, इस कैमरा को जो है अपन यहाँ पर लगा के देखते हैं और देखते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो ऑल सेट, अभी मैंने जो है सोनी GV-E10 को लगा दिया है और काफ़ी अच्छा है। इसकी जो स्क्रीन है वो भी मैंने फिलअप कर दी, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं किस फ्रेम में आ रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात इसकी कि इसके स्क्रीन के ऊपर भी एकदम रेड लाइन का बॉर्डर बन रहा है जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि LED लगी हुई है कैमरा के ऊपर ही, जहाँ पर सोनी की ब्रांडिंग की, उसी के नीचे, तो रेड कलर की वो ब्लिंक होती है जब भी पूरा रिकॉर्ड होता है,
और वीडियो क्वालिटी आप देख ही रहेंगे, कंटिन्यूसली ये मेरी आई को ट्रैक कर रहा है। दूसरा इसका ऑप्शन है बैकग्राउंड ब्लर करने का, तो जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया है। और इसको मैं वापस से डीफोकस कर देता हूँ, जैसे ही डीफोकस होता है तो पीछे क्लियर रहता है, और जैसे ही मैं इसको डिफोकस करता हूँ तो ये पूरा जो है ब्लर कर देता है पीछे के बैकग्राउंड को। इसका जो फोकस है ना वो भी काफ़ी अमेजिंग है, तुरंत जो है इसने इसके ऊपर फोकस कर लिया है। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो ये मेरी आई को ट्रैक कर रहा है, और जैसे ही मैं इसको सामने करता हूँ तो इसको जो है फोकस कर ले रहा है। तो फोकस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। अगर इसके जूम की बात करें अपन तो काफ़ी अच्छा जूम है इसका, तो और क्वालिटी गजब। तो मेनली मैंने ये कैमरा जो है इसीलिए खरीदा क्योंकि इसके अंदर जूम के अंदर जो है इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। तब तक मैं गोप्रो यूज़ कर रहा था तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन किसी टाइम पे मेरे को जूम करने में या फिर बी रोल सीने में काफ़ी तकलीफ होती थी, अच्छे नहीं आते थे। जो एक मिररलेस काम कर सकता है वो गोप्रो नहीं कर सकता। तो दोनों ही कैमरा जो है अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, और ये जो कैमरा है बजट फ्रेंडली कैमरा है। तो चलते हैं बाहर और इससे थोड़ी सी सिनेमैटिक और बी रोल्स निकालते हैं।